किसान भाइयों, स्वागत है आज की वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गन्ना किस्म VCF 0517 के बारे में। जैसा कि किसान भाइयों, इस गन्ना किस्म की काफ़ी चर्चा रही है किसान भाइयों, काफ़ी अच्छी गन्ना किस्म मानी गई है। जैसे कि आप लोग खेत देख पा रहे हैं, या जो खेत है किसान भैया, VCF 0517 का किसान भैया की बिजाई की गई थी किसान भैया। तो आज के इस वीडियो में किसान भैया इस गन्ना किस्म के जमाव, उसकी ग्रोथ, इसके ट्रेल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि किसान भैया यह जो गन्ना किस्म है लगातार चर्चा में बनी हुई है। तो इसके वीडियो के माध्यम से किसान भैया इस गन्ना किस्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो चालू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान भैया, जैसे कि यह जो खेत है 0517 गन्ना किस्म का खेत है किसान भैया, इस गन्ना किस्म की जो बिजाई की गई थी किसान भैया, वह 20 मार्च को की गई थी किसान भैया। देख पा रहे हैं डबल रो में किसान भैया इस गन्ना किस्म की बिजाई है, डबल रो के माध्यम से किसान भैया इस गन्ना किस्म की बिजाई गई थी। बीच में किसान भैया 3.5 फीट का गैप है, और फिर उसके बाद किसान भैया या बीच में 2 लाइनें निकाली गई हैं किसान भैया, इसमें इस गन्ने को डाला गया है। जैसे किसान भैया देख पा रहे हैं VCF 0517 जो कि किसान भैया कर्नाटका की करली गन्ना किस्म है। अभी हाल ही में किसान भैया जो गन्ना किस्म आई है, इस गन्ना किस्म की किसान भैया काफ़ी तारीफ की जा रही है। तो किसान भैया देख पाएंगे किसान भैया जो गन्ने का जमाव है आपके सामने है किसान भैया, बहुत ही बेहतरीन किसान भैया इस गन्ना किस्म का जमाव आया हुआ है। और जमाव तो किसान भैया अच्छा, जो गन्ने में ग्रोथ है किसान भैया आप लोग दे पा रहे हैं, टिलर्स लगातार बने हुए हैं किसान भैया, टिलर्स का जो पुटाव है लगातार इस किस्म में बना रहता है किसान भैया, दे पा रहे हैं बहुत ही तेज़ी से किसान भैया, या जो टिलर्स निकाल रहा है किसान भैया लगातार टिलर्स इस गन्ना किस्म में बनते रहते हैं किसान भैया। ग्रोथ किसान भैया आपके सामने है किसान भैया, बहुत ही कम टाइम अभी गन्ना किस्म को बुआई हुआ है, 2 महीने के करीब ही अभी गन्ना किस्म को बिजाई हुए हैं, जमाव तो अच्छा आया है। उसके बाद टिलर्स में भी किसान भैया काफ़ी अच्छी गन्ना किस्म यह दिख रही है, ग्रोथ बहुत अच्छी है, हरा भरा गन्ना किसान भैया। अभी तक कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी खाद, कोई भी इंसेक्टीसाइड इस गन्ना किस्म में नहीं दिया गया है। आपके सामने किसान भैया देख पा रहे हैं जो भी बिजाई के टाइम इंसेक्टीसाइड फंगीसाइड लगाए गए हैं, उसके बाद किसान भैया इस गन्ना किस्म में कोई भी अतिरिक्त दवाई नहीं लगाई गई। उसके बाद भी किसान भैया गन्ने की जो ग्रोथ है, गन्ने में टिलर्स देख पा रहे हैं, हर जगह किसान भैया टिलर्स निकल रहे हैं, देखिए लगातार किसान भैया गन्ने के समय टिलर्स निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा टिलर्स के मामले में किसान भैया जो गन्ना के समय वो अच्छी रहने वाली है। या जो गन्ना के समय किसान भैया कर्नाटका की गन्ना किस्म VCF 0517 है, इस वर्ष किसान भैया इस गन्ना किस्म की बहुत ही चर्चा की गई थी, बहुत ही बड़े पैमाने पर कई किसानों ने इस गन्ना किस्म को लाकर, किसान भाई यूपी में भी किसान भाई इस गन्ना किस्म की बिजाई की है। तो किसान भाई हमने भी थोड़ा सा बीज मिला था, तो किसान भाई आप देख पा रहे हैं थोड़े से बीज से में किसान भाई हम लोगों ने इस खेत में इस गन्ना किस्म को लगाकर तैयार किया है, और तैयारी के बाद किसान भाई देख पा रहे हैं गन्ना किस्म बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जमाव ले चुकी है, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ पर किसान भाई गन्ना किस्म है। देख पा रहे हैं पूरा खेत किसान भाई भरा हुआ है, जमाव अच्छा है किसान भाई, क्योंकि कर्नाटका से किसान भाई यूपी लाने में 3-4 दिन का समय भी लग जाता है, उसके बाद भी किसान भाई जो गन्ना किस्म का जमाव एकदम बेहतरीन किसान भाई देखने को मिल रहा है। उम्मीद है किसान भाई यह जो गन्ना किस्म है बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, या यूपी में किसान भाई अच्छा रिस्पांस लाएगी किसान भाई। आगे की वीडियो किसान भाई टाइम टू टाइम पर किसान भाई आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत ही रहेगी, जैसे जैसे ये गन्ना किस्म आगे ग्रोथ पर आएगी या फिर बड़े बार पर आएगी, तो उसके यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाई आपके पास इसकी जानकारी पहुँचाते रहेंगे। तो हमारे साथ किसान भाई लगातार बने रहें, जिससे कि आपको नई नई जानकारियाँ हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचती रहें। किसान भाई उम्मीद है वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।